आरा शहर के सहयोगी नगर बहरो स्थित आरपीएस पब्लिक स्कूल में नवरात्रि के अवसर पर डांडिया का आयोजन किया गया। सीबीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली से सहयोगी नगर बहरो स्थित आरपीएस पब्लिक स्कूल के मान्यता मिलने एवं नवरात्रि के शुभ अवसर पर आयोजित डांडिया का उद्घाटन विद्यालय के संस्थापक सह चेयरमैन भरत सिंह सहयोगी एवं प्रबंधक कमलेश कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय के सचिव सह सेक्रेटरी इंजीनियर सुबोध कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर संस्थापक भरत सिंह सहयोगी ने कहा कि डांडिया भारतीय संस्कृति एवं शक्ति पर विजय का प्रतीक है, साथ ही बच्चों में इस कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य धर्म के प्रति जागरूक करना और अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को पहचानना तथा आरपीएस पब्लिक स्कूल को सीबीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली से इस बार मान्यता मिली है। वहीं विद्यालय के प्रबंधक कमलेश कुमार सिंह ने बताया कि 52 गांव तापा और शहर के बीचों बीच आरपीएस पब्लिक स्कूल बसा हुआ है और यह सीबीएसई द्वारा एफिलिएटेड हो गया, जिसमें बच्चों के नामांकन शुल्क और स्कूल की अपेक्षा बहुत कम है। अन्य स्कूलों की अपेक्षा बच्चों के नामांकन शुल्क को लेकर अगले वर्ष ऑफर भी निकाले जाएंगे। वहीं विद्यालय में सीबीएसई के गाइडलाइन का पालन करते हुए बच्चों को हर सुविधा दी जा रही है। विद्यालय के सेक्रेटरी इंजीनियर सुबोध कुमार सिंह ने बच्चों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि मान्यता मिलते ही बच्चों में उत्साहवर्धन हुआ है, साथ ही साथ इस क्षेत्र के बच्चों का सपना साकार हुआ है और आज नवरात्रि के अवसर पर नवरात्रि के महत्व और डांडिया के महत्व को सभी बच्चों को बताया। उन्होंने बुराई पर अच्छाई की विजय के इस पर्व पर डांडिया नृत्य के महत्व को बताया, जिसमें विद्यालय के सदस्यों के साथ साथ बच्चों ने विद्यालय में आयोजित इस डांडिया कार्यक्रम की अत्यंत सराहना भी की। सुंदर सुंदर परिधानों में बच्चों को सजाकर विद्यालय में भेजने के लिए सभी अभिभावकों को धन्यवाद भी दिया और बच्चों के लिए मंगल कामनाएं भी की। सभी ने नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और इस नवरात्रि के अवसर पर विद्यालय परिवार के सदस्यों द्वारा डांडिया की परंपरा का निर्वहन किया गया। इंजीनियर सुबोध सिंह सहयोगी ने बताया कि विद्यालय को सीबीएसई द्वारा इस वर्ष मान्यता मिल चुकी है और एफिलिएशन के बाद इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे पारंपरिक परिधानों में सजकर विद्यालय में पहुंचे हैं और इस डांडिया का जमकर लुफ्त उठाए। देखिए, डांडिया आरपीएस स्कूल सहयोगी नगर कराने का मुख्य उद्देश्य यही है कि सीबीएसई बोर्ड से इसको अभी तत्काल एफिलिएशन प्राप्त हुआ है। उस खुशी में और साथ साथ नवरात के अवसर डांडिया का कार्यक्रम सहयोगी नगर में जो किया गया वो एक बहुत ही ऐतिहासिक रहा। आप देर पहुंचे लेकिन दुरुस्त पहुंचे, जबकि कार्यक्रम में इतना उत्साह वर्धन था कि पूरे आसमान में गूंज रहा था आज का कार्यक्रम, खास करके आरपीएस स्कूल का। जो आरपीएस स्कूल है सहयोगी नगर है, उससे सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे सुबोध जी? सबसे पहले आपके जितने भी व्यूअर उसको नमस्कार मैं करता हूँ। आज का जो भी हमारा सेलिब्रेशन था वो डांडिया का जो सेलिब्रेशन उसमें बहुत अच्छा से हुआ और हमारा स्कूल का ये जो मान्यता मिला है उसी के उपक्ष में ये हमारा डांडिया किया गया, बहुत अच्छा किया गया है। और हम कहेंगे कि हमारा जो स्कूल है दिन प्रतिदिन ऊंचाई की तरफ जा रहा है और एजुकेशन सिस्टम में हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और जितना से ज़्यादा है ज़्यादा हो सकता है हम लोग इस जो शिक्षा को इस गांव क्षेत्र से लेकर शहर क्षेत्र में पढ़ाने की। अब तो एक एफिलिएशन मान्यता प्राप्त स्कूल हो गया, तो इसका कुछ क्राइटेरिया भी आप लोग बढ़ाएंगे? हाँ, हमारा क्राइटेरिया जितना भी सीबीएसई बोर्ड के जो भी है, हमारा जो 25% जो बच्चों को गरीब को पढ़ाता है पहले से हम लोग उसको फॉलो करते भी आ रहे हैं और उसको अब स्ट्रीम फॉलो करेंगे और जितने भी ऑफर भी हमारे नए साल में जो मान्यता मिला नए साल में उसकी अपक्ष में हमारे कुछ उसमें रहेंगे। पर्चे बता दिए अपना पर्चे? सुबोध सिंह सहयोगी, आरपीएस पब्लिक स्कूल को सीबीएसई से जो मान्यता प्राप्त हुआ है, कितना खुश हो रहा है इस विद्यालय को सीबीएसई से? बहुत 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 अथक प्रयास के बाद हम लोग जो
हम लोग अप्रेशन मिला इन साल, बहुत बहुत खुशी हुआ। और आज जो हम लोग प्रोग्राम रखे उसी खुशी में हम लोग डांडिया प्रोग्राम कराए, बहुत अच्छा रहा, सराहनीय रहा, सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अब तो सर मेहनत बढ़ जाएगा आप लोगों का, उसे हम लोग घबराने वाले नहीं है सर, मेहनत बढ़ गया तो इसे कोई ये नहीं है, वो लोग आगे भी पीछे से भी मेहनत करते आए हैं और भी आगे बढ़ने के लिए हम अथक प्रयास करते रहेंगे। ऊंचाइयों का छूना हमारा लक्ष्य है, बच्चों को आगे बढ़ाना हमारा लक्ष्य है, हम उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। परिचय दे दीजिए अपना। मैं कमलेश कुमार सिंह, मैनेजर आरपीएस पब्लिक। बोलिए बोलिए अष्टभुजी मैया की, बोलिए प्रेत से मां काली की, बोलिए प्रेत से सहयोगी बस्ती की, बोलिए प्रेत से आरपीएस स्कूल की, बोलिए प्रेत से आरपीएस स्कूल के बच्चे की। देखिए ये कार्यक्रम जो हुआ सहयोगी नगर में, खास करके इस स्कूल के अफिलिएशन जो दिल्ली सीबीएसई से मिला, उस खुशी में और साथ साथ लौरात के खुशी में ये जो कार्यक्रम हुआ, डांडिया का कार्यक्रम हुआ, कि बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ आज लौरात के शुरुआत से ही बच्चा आरपीएस स्कूल का तैयारी किया था। मैं इस तैयारी को इस बच्चे के लिए हम चाहेंगे कि आप लोग दोनों हाथ से ताली बजाइए, क्योंकि ये बच्चा जो है ये देश का भविष्य है। आज ये बच्चा डांडिया का कार्यक्रम किया है, यही डांडिया जो है माँ दुर्गा का है, इसी से महिषासुर को उन्होंने नाश किया था, इसी का प्रतीक है। आज उसी के प्रतीक में ये डांडिया का कार्यक्रम जो है पूरे भारत में मनाया जाता है। पहले मध्य प्रदेश से शुरुआत हुआ और वहाँ से शुरुआत के बाद आज पूरे देश में ये डांडिया का कार्यक्रम होता है। ये डांडिया का मतलब होता है तलवार। अगर राक्षस है महिषासुर को इसी तलवार के रूप में माँ दुर्गा ने वध की थी, उसी वध के कारण आज ये डंडा और डांडिया का कार्यक्रम भारतीय स्कूल में हुआ। हम चाहेंगे कि जो भी हमारे शिक्षक हैं उन लोगों के लिए भी तुम लोग दोनों हाथ से ताली बजाओ। और ये स्कूल जो है आरपीएस स्कूल, जब से हमारे इंजीनियर सुबोध सिंह सहयोग अधिकार लिए हैं तब से इस स्कूल के व्यवस्था में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। तो मैं चाहूंगा इंजीनियर सुबोध के लिए दोनों हाथ से आप लोग ताली बजा दें, क्योंकि इंजीनियर सुबोध जो है राष्ट्रीय राष्ट्रों के भविष्य के लिए ये सोचता है। और ज्यादा हम क्या कहेंगे, हम इतना ही कहेंगे कि जिस तरह से आप लोग उत्साह वर्धन किया, ये हमारे भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति को उजागर करने के लिए आप लोगों ने जो कार्यक्रम किया बहुत ही अच्छा लगा। देखिए कोई भी खेल जो जब होता है तो उस खेल से प्रतिभा जो है बाहर निकल के आता है। तो जो भी हमारे आरपीएस स्कूल के बच्चे आज इस प्रतियोगिता में भाग लिए, उस प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को मैं बहुत ही उत्साह वर्धन करता हूँ। और साथ साथ जो बच्चे इस कार्यक्रम में भाग नहीं लिया, वो आगे जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में भाग लेने का काम करेंगे। अंत में हम एक बार जरूर कहेंगे कि माँ दुर्गा की, माँ दुर्गा की, माँ अष्टभुजी की, माँ काली की। एक बार जरूर बोलेंगे, अधर्म का विनाश हो तो तुम अधर्म का प्राणियों में। जय हिंद।